चार बातें वो है जो पीपी के सक्सेस के ऊपर अफेक्ट कर सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, एक बार और कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है। आपका जोश कम, मेरी आवाज कितनी ज्यादा है, आप सबसे ज्यादा ठीक था हूं मैं, आपकी आवाज इधर और लड़के तो फॉर्मेट इतना स्लो, व्हाई डू यू पैम्पर सो मच योरसेल्फ, कितना जरूरी क्या है, इतना आराम से ऐसा लगेगा कि मंदिर में नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे हो। दोस्तों अंदर से आओ, असली आवाज यहाँ होती है, यहाँ से आओ, अंदर से, हाँ कमान कमान, हाँ एक कॉन्फिडेंशियलिटी, एक डिग्रेडा अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। अगला प्रश्न जो आप सभी को आता है और मुझे पूरी उम्मीद है इस क्लास से यह प्रश्न सबको आता होगा, दुनिया में दो टाइप के सॉफ्टवेयर, एक टैक्स और एक सॉफ्टवेयर, तो दोनों का जोड़ के एक बनता है, वो टैक्स का सॉफ्टवेयर अकाउंट के डेटा को देख देख के लिखते हैं, फिर टैक्स का डेटा बनता है, आप बताएंगे कौन सा, हाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, देखो लिखो देखो लिखो देखो लिखो, अरे अलग अलग है, एक कहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं, टैक्स का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डेटा ले लेगा, बनाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है और बहुत दोस्तों इसके अंदर फीचर ज्यादा होंगे, ये बहुत महंगा भी है, एक वाला क्योंकि कस्टमाइज है ना, आप बताओ दोस्तों वो क्या है, कहां पे एरर्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देख देख के लिखना है ना, तो मेरी गलती हो गई था। अगला प्रश्न आपसे, देवियों सज्जनों, अगर मैं लैपटॉप से बाय करता हूं, अगर मैं डेस्कटॉप से बाय कर लेता हूं, ये डेस्कटॉप दिख रहा है कि डेस्कटॉप, यहां से और यहां से बाय करता हूं, तो लोग कहेंगे ई कॉमर्स, और यही सारी चीजों को, अगर मैं फ्लिपकार्ट को यहां से खोल देता हूं, और अगर मैं अमेजोन को यहां से खोल देता हूं, तो नाम ई नहीं एम कॉमर्स, मतलब द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, और द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। भाई और बहनों, जब से जियो आया है, जैसे जब से स्मार्टफोन आए, द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स, आजकल कोई make my trip में book my show के टिकट बुक कर ले, Zomato के लिए लैपटॉप नहीं खोलता, मोबाइल को यूज करके हम लोग वो सारा काम कर, जैसे that's why the people are moving towards। भाई पांच पॉइंट सबसे पहले कौन सा लिखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन, मतलब क्या द मीनिंग, अगर मेरा CFS अगर मुझे करना है, बैलेंस शीट सब जगह पे गई है, आई हैव टू कंसोलिडेट देम, कैन आई डू द कंसोलिडेशन बाय यूजिंग नेटवर्क। पॉइंट नंबर टू, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब क्या, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लैन है, पैक्स हो या प्रिंटर हो, एक ही लगता, ज्यादा की जरूरत नहीं। तीसरी बात, एग्जाम्पल ग्रेट कंप्यूटिंग, आंटी का पावर आंटी के पास से नहीं है, आंटी को मदद करने के लिए बहुत सारे डोनर्स है, बट डोनर के पास में डेटा आएगा कैसे, जाएगा कैसे, ओनली अच्छा बताओ ग्रेट कंप्यूटिंग में नेटवर्क की जरूरत है क्या, वरना डेटा आएगा जाएगा, इसलिए ग्रिड कंप्यूटिंग के हमने कंपोनेंट्स में नेटवर्क भी पढ़ा था।
होम लोन मतलब वो लोन जो पूरा आपको एक साथ मिलता, टॉपअप लोन मतलब वो लोन है अगर आपका होम लोन का पैसा खत्म हो गया, आपको और 10-20 लाख चाहिए तो टॉपअप से मिल जाएंगे। और आजकल जो तीसरा फैशन चल रहा है, जो लोग क्या करते हैं 2-3 साल के पीरियड में पैसा देना होता है, तो बैंक भी क्या बोलती है, एक काम करो अगर तुमको भी 3 साल के ड्यूरेशन में पैसे देना है तो हमसे क्यों एक साथ ले रहे हो, जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर ऊपर आएंगे वैसे हम भी तुम्हारा डिस्बर्स करते रहेंगे। उसको बोलते हैं तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन। याद Which is just a smaller version of personal computer, webcaster, typewriter, Air 33 and mobile device. Option D, mobile device. Answer. क्या सोच के आपने इसका जवाब दिया मिस्टर रवीश, मतलब क्या आपके दिल में चल रहा था इसके समय? अरे क्लास में डिस्कस हुआ था, वो टेकी बाबा आए थे एक बार। टेकी बाबा भी यहाँ पे आए थे, क्या बात है। और टेकी बाबा यहाँ पे अभी भी हमारे शो में मौजूद, आपकी तीवी बातें आज भी हमारे बच्चों के काम में आ रही। बाबा आप हमेशा उपदेश देते रहिए बस। और दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब देखते हैं, इनके मुताबिक मोबाइल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर का छोटा वर्जन होता है। कंप्यूटर जी सही जवाब, एंड द आंसर इज मोबाइल डिवाइस। तीसरा प्रश्न आपके सामने 30 रुपीज के लिए।